गुड मॉर्निंग, ये हमारी बीएससी पार्ट टू की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमने अल्कोहल और फिनॉल के चैप्टर फिनिश किए और उसके बाद हमने स्टार्ट किया ईथर्स। ईथर्स में नॉमनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन हम पढ़ रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में भी हमने दो मेथड कर लिए, फ्रॉम एल्कीन्स एंड फ्रॉम एल्काइललाइट। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथड था दैट वॉज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो काफ़ी अच्छी तरह से रिवाइज करें आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस, और नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं हम प्रेपरेशन का। फ्रॉम नंबर थ्री मेथड जब प्रेपरेशन लिख लीजिए आप, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से प्रारंभ करके ईथर कैसे बनाए जा सकते हैं। ये ज़्यादातर रिएक्शन आपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि एल्कोहल का चैप्टर हमने फिनिश कर लिया है। तो क्योंकि एल्कोहल का चैप्टर फिनिश किया है तो वहाँ पर ये रिएक्शन हम कवर कर चुके हैं, फिर भी हम दोबारा कवर करते हैं इसको। देखिए, ए एल्कोहल से बनाने का फर्स्ट मेथड लिखो, एल्कोहल से, कि एल्कोहल की क्रिया, एल्कोहल की क्रिया कंसेंट्रेटेड H2SO4 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर करने पर ईथर प्राप्त होते हैं, ईथर प्राप्त होते हैं। एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म्स ईथर। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब इस रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। बेस एग्जांपल आपने लिख लिया, बड़ा इजी था, ईथर बन जाता है कंडेंसेशन माइनस वाटर एंड ईथर इज फॉर्म। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की, कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट इस रिएक्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, 140। अगर टेम्परेचर 140 से ज़्यादा कर देंगे, जैसे मान लो इस केस में टेम्परेचर बढ़ गया और 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया, तो फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा एल्कोहल का और उससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएंगे। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसे एल्कीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, हम नहीं चाहते एल्कीन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इस रिएक्शन में। बाकी नॉर्मल रिएक्शन है, हम पहले भी इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। एक और पॉइंट इस रिएक्शन से संबंधित आपको बताता हूँ। देखो, ये हमने इथाइल एल्कोहल का एग्जांपल लिया, 140 डिग्री लिया तो क्या बन गया, ईथर। लेकिन अगर ये लिख लीजिए इस पॉइंट को, कि यदि सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल हो, द्वितीयक या तृतीयक एल्कोहल हो, तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह एल्कीन होगा। मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन। ईथर बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, दैट इज इवन एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल विल फॉर्म एल्कीन। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ आपको, जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं आपको, एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। से हमने लिया आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इट इज सेकेंडरी एल्कोहल, आपको पता है सेकेंडरी एल्कोहल है, और इसको अगर हमने कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हीट किया और टेम्परेचर मेंटेन किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, 140 डिग्री टेम्परेचर रखा, तो हम बनाना क्या चाह रहे थे, ईथर बनाना चाह रहे थे 140 रख के। लेकिन सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल हैव टेंडेंसी टू अंडरगो एलिमिनेशन, सेकेंडरी टर्शरी की टेंडेंसी क्या रहती है, हमेशा एलिमिनेशन, विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी और मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस केस में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। और कुछ बन लो, ईथर बना है तो थोड़ा बहुत ईथर बन सकता है, CHO CH3 डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ऐसे मान लो हम टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल ले लें तब भी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं। एल्काइल लाइड में पढ़ी हमने पहले, एल्कोहल में भी पढ़ चुके हैं कि सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल हैव टेंडेंसी टू अंडरगो एलिमिनेशन। सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो है उनकी टेंडेंसी हमेशा किसकी रहती है, कि एलिमिनेशन हो जाए, विलोपन अभिक्रिया हो जाती है, विलोपन। एक और खास बात आप ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, देखो मान लो, ये भी एक पॉइंट नोट करने लायक है, ईथर से बनाने संबंधित ही है। यहाँ हमने एल्कोहल लिया, इथाइल एल्कोहल, डाईथाइल ईथर बन गया, लेकिन इसमें लिख सकते हैं कि दिस मेथड इज गुड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, यह विधि सममित ईथर बनाने के लिए बढ़िया विधि है। यदि इस विधि से असममित ईथर बनाएंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है, बहुत सारे उत्पाद बन जाएंगे।
दिस मेथड इज गुड फॉर प्रेपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल ईथर. इफ अनसिमेट्रिकल ईथर इज प्रिपेयर्ड देन अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड. जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो बनाना चाहते हैं इथाइल मिथाइल ईथर, तो हमने क्या ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, और एक कौन सा अल्कोहल ले लिया, मिथाइल अल्कोहल. और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन जाए इससे, इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा. लेकिन साथ में क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर. साथ में क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर. समझ आया आपको कैसे हुआ कि इन दोनों के कंडेंसेशन से तो क्या बन गया, इथाइल मिथाइल ईथर. लेकिन ये अपने आप में इनके कंडेंसेशन हो जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, डाई मिथाइल ईथर. इसका कंडेंसेशन हो जाएगा, उससे क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर. तो अनसिमेट्रिक ईथर बनाने के लिए ये मेथड जो है अच्छा मेथड नहीं है. ओके, तो अल्कोहल से बनाने का एक मेथड लिखा हमने, रिएक्शन विद कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 140 डिग्री से. केवल ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन लिख के आप याद, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के केस में क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल के केस में क्या हो जाएगा, ये चीज़ें समझने की होती हैं रिएक्शन में. दूसरा मेथड लिखें अल्कोहल से बनाने का ही नेक्स्ट मेथड. इसमें आप लिखो कि अल्कोहल की वाष्प को हीटेड एल्यूमिना, एल्यूमिना किसको कहते हैं, Al2O3, हीटेड एल्यूमिना, गर्म एल्यूमिना में 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर डालने पर ईथर प्राप्त होता है. Alcohol vapors on passing through heated alumina at 240 degree centigrade forms ether. Again temperature important है. ये reaction भी हम alcohol में पढ़ चुके हैं, यहाँ छोड़ सकते थे, लेकिन ठीक है आपका revision हो जाएगा इससे. Al2O3 ये लिखना जरूरी है, heated 240 degree centigrade product is ether. क्या product बन जाएगा इससे, ether बन जाएगा. बहुत ध्यान से देखिए, सेम रिएक्शन, बिल्कुल वो का वो रिएक्शन है, चेंज हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और टेम्परेचर चेंज हो गया इसके अंदर. ओके, नेक्स्ट मेथड लीजिए. नेक्स्ट मेथड थोड़ा डिफरेंट है, मार्क कर लो. ये रिएक्शन नॉर्मली हमने अल्कोहल में नहीं पढ़ी होगी इस रिएक्शन को, कि रिएक्शन है नहीं ऐसे, इस टाइप की जो रिएक्शन में पढ़ी जाए. इसमें लिखो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद डायज़ोमीथेन, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद डायजो मीथेन, एल्कोहल की डाई एजो मीथेन. ये देखो डाई एजो, नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं, डाई एजो मीथेन. इसमें एक लाइन लिखिए आपकी, एल्कोहल की क्रिया फ्लोरोबोरिक एसिड की उपस्थिति में डायजो मीथेन से करने पर मिथाइल ईथर प्राप्त होते हैं, देखो इसमें क्या होगा, डायजोमीथेन का मेन फंक्शन क्या होता है, CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने में काम आता है, काफ़ी जगह और भी रिएक्शन में काम आता है CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करने में. तो CH2 जब यहाँ आ जाएगा, ये CH2 ग्रुप यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3. ईथर तो बन जाएंगे, आर दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन हमेशा कौन से ईथर बनेंगे इसके अंदर, मिथाइल ईथर. प्रोडक्ट हमेशा इसके अंदर क्या होगा, मिथाइल ईथर. जैसे मान लो आपने इसकी रिएक्शन लिया, इथाइल अल्कोहल प्लस CH2N2 HBFO, डायजोमीथेन ऐसे हमारे सिलेबस में भी नहीं आता है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. लेकिन ध्यान रखने की बात है, क्या बनेगा इससे, केवल मिथाइल ईथर बन जाएंगे. जैसे इससे एग्जांपल कराया तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर. इथाइल एक ग्रुप हमेशा मिथाइल होगा, क्योंकि अल्कोहल से रिएक्शन कर रहे हैं, एच के साथ मिथाइल इंट्रोड्यूस होगा, तो हमेशा मिथाइल तो बनेगा ही बनेगा इस रिएक्शन में. तो ये वेरियस मेथड्स थे प्रेपरेशन ऑफ ईथर. प्रेपरेशन ऑफ ईथर में जितने ही मेथड पढ़े आपने, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है वो कौन सा होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस को खूब अच्छी तरह आप रिवाइज करें. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज. जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहले जब भी हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो पहले हम प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि हम दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मेनली बात करना चाहते हैं. एक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करना चाहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरे की बात करना चाहते हैं सॉलिबिलिटी. इन पे ऑर्डर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी. तो पहली प्रॉपर्टी ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक. पहली पॉइंट क्या ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक. क्वथनांक में
एक दो पॉइंट बताता हूँ देखो इससे संबंधित, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। पहला पॉइंट आप इसके अंदर लिखो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर आर लोअर देन कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट एल्कोहल। ईथर के क्वथनांक संगत अल्कोहल से कम होते हैं। रीजन बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है, आपने अल्कोहल में पढ़ा है। अल्कोहल मॉलिक्यूल जो हैं इनके अंदर क्या रहती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल मॉलिक्यूल में क्या रहती है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है नहीं होती है, इसलिए जो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से काफ़ी कम होता है। काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कम होता है, ये हमें ध्यान रखने की बात है बॉइलिंग पॉइंट में। मान लो इसको हम हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करें तो जो लोअर ईथर का मतलब क्या हो गया, चार कार्बन तक के जो ईथर है, लोअर ईथर अप टू फोर कार्बन, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एल्केन्स से क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एल्केन्स से इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है। कारण क्या रहता है इसके अंदर, ईथर में क्या रहेगा, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीक, लेकिन इनके अंदर इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए क्या होता है लोअर ईथर जो होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है, मैंने लिख दिया अप टू फोर कार्बन, यानी चार कार्बन तक के जो ईथर हैं वो तो हमारे क्या हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है, एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन हायर ईथर जो होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, हायर का मतलब चार कार्बन से ज़्यादा बड़े वाले ईथर जो हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्केन से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका अलग रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन जो है ईथर को बहुत ज़्यादा अनसिमेट्रिकल बना देता है और उससे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। डन। इस पे नोट करने वाली बात है ये बात कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर्स आर स्लाइटली लेस देन कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट एल्केन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच मेक्स ईथर लेस सिमेट्रिकल। डन। तो हायर ईथर के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं वो तो क्या होते हैं, कम, और चार कार्बन तक के ईथर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, दिस बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किस पर डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, फोर्सेज ऑफ आकर्षण बल जितने ज़्यादा होंगे उनको अलग अलग करने में ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए अल्कोहल में स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ईथर में कौन सी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन काम करती हैं, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है। तो ये बात हुई इसके अंदर ईथर के बॉइलिंग पॉइंट की बात हुई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अपन, सॉलिबिलिटी, घुलनशीलता। नॉर्मली जब हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं ये देखते हैं कि पानी में घुलते हैं या नहीं घुलते, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, तो आपको पता है लोअर ईथर्स आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। जो लोअर ईथर है, लोअर ईथर का मतलब आपको बता दिया क्या होते हैं, चार कार्बन से कम वाले ईथर, वो क्या होते हैं, पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। कारण क्या है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। डन। इसका कारण क्या है, देखिए आर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाओ, ईथर ये वाटर मॉलिक्यूल लिया अपन ने, एच, और एक और ईथर मॉलिक्यूल ले लेते हैं आर और आर। अब आपको पता है कितनी बार आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई है, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण क्या होता है, दे आर सॉल्युबल। ध्यान रखना कि निम्न ईथर जल के साथ क्या बना लेते हैं, एच बॉन्ड बना लेते हैं, एच बॉन्ड, और एच बॉन्ड बनाने के कारण ये क्या होते हैं, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये अल्कोहल में ही बात की थी, अल्कोहल लोअर अल्कोहल आर कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखो नॉन पोलर पार्ट है, अल्काइल ग्रुप कैसा है, नॉन पोलर पार्ट, तो नॉन पोलर पार्ट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी ईथर जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. डन. ईथर्स आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा. ईथर जो है कार्बनिक विलायक जैसे एल्कोहल, बेंजीन इत्यादि में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं. इत्यादि में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं. अब हम बात करेंगे ईथर्स की केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. इन प्रॉपर्टीज़ के बाद ये पूरा पेज आप एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में समझने के लिए आप आराम से एक एक पॉइंट. डन. ओके, पेज चेंज करते हैं और पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर. हेडिंग डाल दीजिए आप, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर. वैसे अगर देखा जाए तो एक पॉइंट आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं पहले, कि ईथर्स आर इनर्ट कंपाउंड. ईथर क्या होते हैं, नॉर्मली इनर्ट है, क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऐसी कोई साइट नहीं है जहां पर कि रिएजेंट अटैक कर सके. केवल क्या है, ऑक्सीजन के पास जो अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है वही फंक्शनल ग्रुप है. तो ईथर एज सच डोंट हैव एनी फंक्शनल ग्रुप, तो दे आर इनर्ट. ईथर नॉर्मली क्या होते हैं, इनर्ट कंपाउंड है. बट इवन देन वी विल हैव सम इंटरेस्टिंग रिएक्शंस अबाउट ईथर. डन. ईथर की कुछ रिएक्शंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ते हैं. तो पहला हेडिंग डाल लो ईथर का, क्योंकि मैंने बताया अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है. अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कैसा होगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे. कैसा बिहेव करेंगे, लेविस बेस की तरह. और लेविस बेस की तरह बिहेव करेंगे तो वो क्या करेंगे, दे विल फॉर्म एसिड. इसे रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बनाएंगे. तो पहला लिख लो सॉल्ट फॉर्मेशन, पहली हेडिंग डाल दीजिए सॉल्ट फॉर्मेशन. सॉल्ट फॉर्मेशन, सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन मैं आपको दो हेडिंग में लिखाता हूँ. देखो सॉल्ट फॉर्मेशन, पहला भी मैंने बताया कि अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर के कारण क्या होते हैं, ये दे बिहेव एज बेस एंड हेंस दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट. एसिड, जितने भी एसिड्स होंगे उनसे रिएक्शन करके कौन सॉल्ट बनाएंगे, ऑक्सोनियम सॉल्ट. दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट. इनको तरीका देखिए, ऑक्सोनियम सॉल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं लिखना सिखाता हूँ आपको. ये ईथर का एग्जाम्पल लिया, दो अनशेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, HCl से रिएक्शन किया, मान लो HCl इज एसिड. एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा ऑक्सोनियम. आपको पता है H इलेक्ट्रॉन पेयर इस H से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, OH और O पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम. तो डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C2H5 O. O पे H आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रह गया, दो दो चार और एक पाँच रह गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. और साथ में इसको ब्रैकेट में दिखा दो ठीक रहेगा थोड़ा सा, और ये बन गया क्लोराइड. तो क्या बन गया, डाइथाइल ये ऑक्सोनियम आपको पता है, ऑक्सोनियम क्लोराइड. तो प्रोडक्ट क्या बन गया, सॉल्ट, डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. प्रोडक्ट क्या बन गया, डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड, डाइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड. सिमिलरली मान लो इसी की रिएक्शन में लिखूं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, तो अब अगेन बिल्कुल ऐसा कैसा ऑक्सोनियम बनेगा, सेम ऑक्सोनियम C2H5 O H पॉजिटिव. बिल्कुल इसने भी सल्फ्यूरिक एसिड ने भी एक एच दिया, इसके अंदर एनायन पार्ट क्या हो जाएगा, HSO4 माइनस. ये क्या बनेगा, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. पूरा लिखो नाम, डाइथाइल ऑक्सोनियम ऊपर लिखा हुआ है, साथ में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, डाइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट. तो ए रिएक्शन होने कैसे, रिएक्शन विद एसिड, ऐसे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा, सेम डाइथाइल ऑक्सोनियम नाइट्रेट बन जाएगा. तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाते हैं विद रिएक्शन विद एसिड में. पहला पॉइंट क्या लिखा, सॉल्ट फॉर्मेशन में विद कंसेंट्रेटेड एसिड इट फॉर्म्स ऑक्सोनियम सॉल्ट. अब बेस है तो बेसिक कारण, नंबर बी में क्या लिखते हैं, रिएक्शन विद लेविस एसिड. लेविस एसिड से भी क्या बन जाएंगे, सॉल्ट बन जाएंगे. लेविस एसिड से भी क्या बन जाएंगे, सॉल्ट बन जाएंगे. ठीक है, लेविस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच. तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है लेविस एसिड को दे देंगे, तो उस प्रकार के जो सॉल्ट बनते हैं उनका हम बोलते हैं इथरेट्स. ईथर ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेविस एसिड को दिया. फॉर एग्जाम्पल डाइथाइल ईथर की रिएक्शन कराई हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. अब आपको पता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड आपने पढ़ा है, हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देने से क्या बन गया, अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। अब ओ के पास क्या रह गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इसने इसको दे दिया इसको बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को, अगेन इट इज अ सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट का नाम क्या हो जाएगा, बी एफ थ्री इथरेट, बी एफ थ्री इथरेट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट इज द कंपाउंड फॉर्म। जैसे इसी प्रकार से एक रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन ऑफ ईथर विद आर एम जी एक्स, जी आर, रिएक्शन ऑफ ईथर विद जी आर, जी आर से रिएक्शन करें ईथर की। अब जी आर देखें अगेन क्या बन जाएगा, जी आर इथरेट, जी आर इथरेट में क्या होगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथरेट, ये ईथर भी देगा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम हेयर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ये वाला ईथर भी दे देगा ईथर को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट इज दिस, जी आर, नाम क्या बन जाएगा, जी आर इथरेट, जी आर इथरेट, जी आर इथरेट इज द कंपाउंड फॉर्म। ओके, रिएक्शन जस्ट हमने स्टार्ट किया है, केमिकल रिएक्शंस, और काफ़ी केमिकल रिएक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको बता रहा होता हूँ कि इनको आप धीरे धीरे देखिए, बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, और आप इनको देख के अपनी कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ सुनते हुए, जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं उनको नोट करते हुए अपने नोट्स बना लें, बस उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, और इन कॉपी को लर्न करो, कीप डूइंग दिस वर्क, थैंक यू वेरी मच।